हेलो डिफेंस एस्पिरेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी रिलीजियस टीचर लाइफ स्टाइल एंड जॉब प्रोफाइल, इनके बारे में बात करेंगे। बात करेंगे इनकी प्रमोशन की, बात करेंगे इनकी रैंक्स की, बात करेंगे इनकी सैलरी की, बात करेंगे इनकी लाइफ स्टाइल की कैसे होता है, और रिलीजियस टीचर का क्या काम है आर्मी में, जहाँ पर हम फाइट करते हैं दुश्मन के साथ, ये टीचर लेके वहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिए, और ऐसे डिफेंस इंटरेस्टिंग फैक्ट के लिए हमारे वीडियो को और लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बॉल को ऑन कर लेना। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है आर्मी सर ऑफिशियल, ज्वाइन कर लेना। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, जो आर्मी रिलीजियस टीचर है इनको धर्म गुरु बोलते हैं फौज में, और फौज में इनसे ज़्यादा सबसे आरामदायक कोई नौकरी नहीं हो सकता। मेरा भी एक्सपीरियंस है फौज में कुछ, और मैंने भी देखते आया हूँ कि इनसे अच्छा नौकरी तो बन ही नहीं सकता। तो जैसे आप लोगों को सभी को पता होगा, आर्मी में हिंदू भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, सिख होते हैं, ईसाई होते हैं, तो यहाँ पर सबकी अलग अलग होते हैं। जैसे हम हिंदू हैं, हम पंडित को मानते हैं, कोई मुस्लिम है वो मौलवी को मानता है, कोई सरदार जी है वो दूसरे को मानता है, कोई क्रिश्चियन है वो चर्च में जाता है दूसरे को मानता है। तो आर्मी क्या करता है, इन रिलीजियस टीचर को यानी मंदिर में क्या करता है, आर्मी एक सर्वधर्म स्थल बोलते हैं, जहाँ पर कोई रिलीजन मैटर नहीं करता। हम एक ही साथ बैठते हैं, एक ही साथ खाना खाते हैं, लेकिन सबकी धर्म अलग अलग है, इसलिए उसको रेस्पेक्ट किए हुए तो इनके धर्म गुरु अलग अलग रिक्रूट किया जाता है। मान लीजिए कोई यूनिट में मुस्लिम ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये पुजारी जो होगा वो मुस्लिम होगा, लेकिन वहाँ पर हिंदू भी तो हो सकते हैं। तो जो रिलीजियस टीचर है इनको सारे के सारे जो ट्रेनिंग दिया जाता है, मतलब मान लीजिए एक हिंदू की रिलीजियस टीचर है, इनकी रैंक होता है JCO से शुरू होता है, जूनियर कमीशन ऑफिसर, नायब सूबेदार से इनकी रैंक शुरू होता है, और इनके जो स्टार्टिंग सैलरी होता है मिनिमम 70,000 से शुरू होता है, और ये अभी भी परमानेंट पोस्ट है, अग्निवीर नहीं है। तो एक ऑफिसर, जूनियर कमीशन ऑफिसर की पोस्ट है, और 70,000 सैलरी है। काम मैं बताऊँगा, आप सुन सुन के हंस लोगे और बोलोगे क्यों ना, इससे ज़्यादा कोई अच्छा आरामदायक नौकरी है ही नहीं। आपकी यूनिफॉर्म पीस एरिया में चाहे हो, चाहे फील्ड एरिया में पोस्टेड हो, कहीं भी पोस्टेड हो, आपकी यूनिफॉर्म वही धर्मगुरु वाला रहता है कि वही सफ़ेद वाला कुर्ता डाला, नीचे सफ़ेद वाला पैंट पहना, ऊपर थोड़ा सा एक टोपी लगाए और निकल गए। जैसे पंडित नहीं निकलते वैसे निकल गए। आपके काम रहेगा सुबह और शाम को जो भी सर्वधर्म स्थल होगा, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, उसके सारे के सारे आपने क्या करना, वहाँ पर उसकी ख्याल रखना, उसकी पूजा करना, ठीक है। पूजा करने के बाद सुबह के टाइम पूजा करना, एक बार शाम को टाइम पूजा करना, उसके बीच में आपका कोई काम नहीं है। इनके अलग अलग रूल्स रहता है, रोल मतलब ये कभी कभी काम करते हैं कि जो यूनिट होता है उनकी मोटिवेशन के लिए काम करते हैं, जो जवान है उनके साथ इंट्रैक्शन, उनकी प्रॉब्लम्स ला के आपकी CO तक डायरेक्ट पहुँचाते हैं कि आपकी जवानों के ये प्रॉब्लम चल रहा है। और कभी कभी ये ऐसे जो नॉर्मल बहुत सारे चीज़ें अपडेट आता है, वो जवानों को वहाँ पर जैसे उनकी गेट टुगेदर करके उनको ब्रीफ करते कि ऐसे स्कीम आया है या फिर ऐसे चीज़ें में आप इन्वेस्ट कर सकते, थोड़ा नॉलेज उनको एक्स्ट्रा नॉलेज देने के काम करते हैं। लेकिन अगर इनकी बेसिक काम को समझे, सिर्फ ये एक पुजारी के तहत सेना में आते हैं और उसकी पूजा करते हैं। जो मौलवी हो गए अपनी वहाँ पर चले गए, जो पंडित हो गए आप सुबह चले गए, सुबह 5 बजे से लेके 7 बजे तक पूजा किए, बस। हर एक हफ्ते में एक मंदिर परेड होता है जो सेना में हर एक को आना होता है, तो एक उस दिन थोड़ा सा इनको काम रहता है 1-2 घंटे का, क्योंकि CO आते हैं तो उनके थोड़ा काम रहता है, बाकी दिन तो इनके नॉर्मल ही रहता है। सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे पूजा करना और मंदिर के ख्याल रखना, बाकी कोई वो नहीं। ना इन्होंने यूनिफॉर्म पहनते हैं, ना इनके कहीं जाना है, बाहर जाना है, कोई आउट डिटेल नहीं, कोई यूनिफॉर्म नहीं, सिर्फ अपनी सिविल ड्रेस में नौकरी करते हैं। आपको मिलेगा JCO मेस में खाने के लिए, जूनियर कमीशन ऑफिसर मेस में, और बहुत अच्छा आपको प्रोसेस में वहाँ पर खाना मिलेगा। आप वेजिटेरियन ही होते हैं सारे, तो वेजिटेरियन में बहुत अच्छा आपको मिलेगा, ब्रेकफास्ट मिलेगा, टी ब्रेक मिलेगा, फिर लंच मिलेगा, फिर आपको डिनर मिलेगा, बीच में आप कुछ स्नैक्स खाना चाहे बिल्कुल आप खा सकते हैं। अगर आप शादीशुदा करके फैमिली मेंबर बनना चाहते हैं, बिल्कुल आपको आर्मी क्वार्टर अलर्ट किया जाएगा, आपके लिए 2 BHK फ्लैट विथ नीचे आपकी 4-व्हीलर रखने के लिए उसका जगह, 2-व्हीलर रखने के लिए जगह, आपके नीचे गार्डन बनाने के लिए जगह, बहुत सारे चीज़ें आपको फैसिलिटी मिलेगा। आपकी जो वाइफ है उनको भी बहुत सारे चीज़ों में वहाँ पर, जैसे आवा के फंक्शन हो गए, यूनिट लेवल फंक्शन हो गए, वहाँ पर जाने के लिए मौका मिलेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग सीखने के लिए आपकी वाइफ को मौका मिलेगा। तो ये एक ज़बरदस्त वहाँ पर एंट्री है, मैं मानता हूँ इंडियन आर्मी की, इससे अच्छा कोई एंट्री नहीं है। इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि सीटें इसकी कम रहता है, लेकिन मस्त जॉब है। अगर आपको मिल गया तो आपके पूरा जिंगा लाला सर्विस है, 32 ईयर्स तक आप करते रहो। सूबेदार मेजर आपके हाईस्ट रैंक रहेगा, अगर आपने बहुत अच्छा काम किया तो कैप्टन आपकी हाईस्ट रैंक रहेगा। जब भी आप जाओगे आपकी 1.5 लाख सैलरी होगा, पेंशन चले जाओगे तो आपको कम से कम 70-80 हज़ार तो आपको पेंशन ही मिलेगा। साथ में CSD कैंटीन फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रैवलिंग फैसिलिटी, जिन जिन जो एक सोल्जर जवानों को मिलता है आपको सारे फैसिलिटीज़ मिलेगा। हाँ, एक चीज़ होगा जो आपको वर्दी है वो आप सिविल ड्रेस पहनते हैं, लेकिन आपको MSP मिलता है मिलिट्री सर्विस पे। तो कभी
अगर लड़ाई में ज़रूरत पड़ता है, ये नहीं सोचना आप भजन कीर्तन करते रहोगे, आपको लड़ाई में भी जाना है। अगर ज़रूरत पड़ता है फायरिंग करने के लिए, लड़ाई करने के लिए, अगर स्टाफ कम पड़ रहे तो आपको लड़ाई भी करना होगा वहाँ पर। इसीलिए आपकी बेसिक ट्रेनिंग पहले होता है वहाँ पर आर्मी में, पहले एक आप सोल्जर होते हो, बाद में पंडित जी वगैरह होते हो। तो ये चीज़ें याद रखना, कभी आपके डाउट में नहीं रखना कि मुझे ये चीज़ें करना नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल यूनिफॉर्म पहनते हो, जैसे कोई भी यूनिट लेवल पे ऐसे फंक्शन हो गया जहाँ पर सारे यूनिफॉर्म आ रहे, तो आपकी भी यूनिफॉर्म होता है। आप प्रॉपर यूनिफॉर्म जो जवान पहनते हैं, जो जेसीओस पहनते हैं, वही यूनिफॉर्म में आपको आना पड़ता है। बाकी आपकी जो जैसे बच्चे हो गए, उनको HRA सब्सिडी, हॉस्टल सब्सिडी वगैरह, उनके पढ़ने के लिए चाइल्ड एजुकेशन अलाउंसेस, ये सारी चीज़ें, और बहुत सारे स्कीम के थ्रू, डिफेंस स्कीम के थ्रू पेरेंट्स जो आपके बच्चों के लिए आता है इंजीनियरिंग कोर्स, ये सारे चीज़ आप लाभ ले सकते हो। मतलब टोटली कहा जाए कि इंडियन आर्मी से इच्छे अच्छा एंट्री कुछ हो ही नहीं सकता, ये लिख के ले लो। कौन कौन इसमें इंटरेस्टेड है नीचे कॉमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।